राज्यपाल से मिलने पहुंचे गुजरात के सीएम सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल को इस्तीफा अपना सौंपा। गुजरात में नए सिरे से सरकार का फिर से गठन होगा और उसको लेकर खुशी भी है क्योंकि एक प्रचंड जीत हासिल की है। 12 दिसंबर को फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे और उससे पहले प्रोसीजर के अनुसार राज्यपाल के पास पहुंचे, उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा और उसके बाद में अब एक नए सिरे के साथ पूरी सरकार का गठन होगा। नई टीम होगी, चेहरे वही होंगे लेकिन कार्य नए और विजन नया। जिस तरह से मैनिफेस्टो जारी किया गया था और मैनिफेस्टो के बकायदा सारे पॉइंट्स, अब जनता की उम्मीदें हैं कि तमाम जितने भी पॉइंट्स थे वो लगातार बकायदा हर महीने के साथ में और जो भी वायदे किए गए थे, जो भी प्रॉमिसेस थे, वो जनता के हित में कारगर साबित हो क्योंकि जनता ने भी यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ में जीत भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 27 साल के रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए जीत दर्ज कराई है। उसके बाद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब राज्यपाल से मिलने पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, उसके बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा सौंपने के बाद में अब गुजरात में नए सिरे से सरकार का गठन होगा। उस सरकार के गठन के समय 12 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। और चलिए फिलहाल ज्यादा जानकारी के साथ में गुजरात से एडिटर मनीष देसाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, सीएम भूपेंद्र पटेल ने पूरी कार्यवाही जिस तरह से प्रोसीजर होता है लीगल प्रोसीजर, उस हिसाब से अपना इस्तीफा तो सौंप दिया और अब एक नए विजन के साथ 12 दिसंबर को नए सिरे से पूरी सरकार का गठन होगा, क्या जानकारी? और क्योंकि खुशी एक प्रचंड जीत के लिए सभी के मन में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की जीत बीजेपी को हासिल हुई है 156 सीट से वो यहाँ पर इतने विधायक चुन के आए हैं, इसके बाद स्वाभाविक है एक प्रोसीजर रहता है, जो पुरानी सरकार होती है उसके मंत्री जो भी होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं उन सबको इस्तीफा देना पड़ता है। जब नए तरीके की सरकार बनती है, नए मंत्री शपथ लेते हैं, उसके बाद उसका जब नया गठन होता है तब की बात अलग होती है, लेकिन इसके पहले ये एक प्रोसीजर है जो करना जरूरी होता है। और आज भाजपा के ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, हालांकि उनकी सरकार फिर से बनने जा रही है लेकिन जो प्रोसीजर है उसके हिस्से स्वरूप वो आज गए थे, वो और उनके सभी मंत्री उन्होंने जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है जी। और विधायक दल की जब अब बैठक मिलेगी, कल या परसों मिल सकती है, उसके बाद 12 तारीख को इनका शपथ ग्रहण समारोह होना है, इसमें नए मंत्री और मुख्यमंत्री फिर से शपथ लेंगे। बिल्कुल मनीष जी, और यहाँ पर पूरी एक नए विजन और खासतौर पर जनता ने जब इतनी प्रचंड जीत दी है तो जनता की आशंकाएं और जो अपेक्षाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस चीज को लेकर कि मैनिफेस्टो के जितने भी मुद्दे थे, जितने भी पॉइंट्स थे, उन पर अब कार्य शुरू हो जाएगा 12 दिसंबर से। बिल्कुल, देखिए क्योंकि बीजेपी सरकार यही बार बार कहती आई है कि हम इलेक्शन के समय पर काम करने वाली पार्टी नहीं है और इस बार जिस तरह का बहुमत मिला है, कल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी मीडिया को जब ब्रीफ किया तब भी और जब इनका विजय उत्सव हुआ तब भी उन्होंने यही बात दोहराई है कि हमारी जो सरकार है उसको जिस तरह का बहुमत मिला है अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और हमें लोगों का काम तेजी से करना होगा और विकास की जिस पथ पर हम चल रहे हैं उस पर हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल मनीष जी, आप ठीक कह रहे हैं और गुजरात बीजेपी का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है, इसको लेकर एक्साइटमेंट सभी में, एक नए सिरे से सभी शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए।